दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे सोलर इन्फॉर्मेटिव चैनल सोलर इनोवेशन चैतन्य इलेक्ट्रिकल्स पर। दोस्तों, ये वीडियो बना रहा हूं 6 किलोवाट ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है। ये पैनल एसीटेक के पैनल लगाए हैं। सेकंड पार्ट भी होगा, थर्ड पार्ट भी होगा। दोस्तों, ये 30 मिनट का वीडियो है, पूरा ध्यान से देखिए, आप सब कुछ समझ जाओगे क्या क्या मटेरियल यूज किया है मैंने। 24 कैरेट गोल्ड मटेरियल सभी यूज किया है, हेवी ड्यूटी काम किया है। दोस्तों देखिए अब आगे क्या क्या मटेरियल यूज किया है हमने, टॉप टू बॉटम A to Z सब आपको दिखा रहा हूँ मैं। वीडियो को इस जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, आपको इस वीडियो से बहुत नॉलेज मिलेगा। पूरा टीम वर्क है, पूरा हार्ड टीम वर्क है दोस्तों। सुपर सुपर स्ट्रक्चर होगा, सुपर स्ट्रक्चर वर्क है ये बहुत। ये 18 पैनल यूज किया है मैंने, हमने डबल स्ट्रिंग इन्वर्टर है। ये पैनल का काम हो गया, ये देखिए अर्थिंग का काम, प्रॉपर अर्थिंग। ये अर्थिंग रॉड हम खुद बनाते हैं, हमारी कंपनी है ग्रीन पावर अर्थिंग सॉल्यूशंस, सभी काम करते हैं दोस्तों हम। पूरा इंडस्ट्री का सेटअप भी लगा के देते हैं हम कंपनी वालों को। ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम STLT लाइन MECB का काम भी करते हैं हम, सभी वर्क कर लेते हैं। सभी प्रकार के टीम्स हमारे पास उपलब्ध है दोस्तों। ये जीन पैंट में जो बंदा खड़ा है हमारा दोस्त है सिद्धार्थ, ऑलराउंडर दोस्त है, सभी काम कर लेता है वो। ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड ST लाइन LT लाइन हमारे सभी काम ही संभालता है। सभी इसका इस इसे सभी अनुभव दिए है हमने, सभी वर्क करता है हमारा। अभी इसे हमारे इस वर्क साइड पर लाए, काम कर चालू है। ये प्रॉपर अर्थिंग किया है, लेका फर्स्ट अर्थिंग का। ये भी वीडियो मैंने डाला है 4 दिन पहले, पूरा वीडियो डाला है अर्थिंग का, 10-15 मिनट का, वो पूरा देख लीजिए कैसे अर्थिंग करते, ये शॉर्ट में दिखा रहा हूँ मैंने। ये लेकर अर्थिंग कर लिया, इसके आगे और 2 अर्थिंग किया है हमने, आगे दिखाऊंगा आपको। वीडियो ध्यान से देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और वीडियो बहुत सारे लोगों में शेयर कीजिए दोस्तों। तीन तीन वीडियो आएंगे इसके बाद, ये फर्स्ट वीडियो है इस काम का, फर्स्ट है इस काम के, और 2 वीडियो आएंगे और अगले काम के भी आएंगे। स्ट्रक्चर फिटिंग चालू हो गया है, 15 फुट ऊंचा स्ट्रक्चर है दोस्तों, सुपर स्ट्रक्चर से भी ऊंचा है। इतनी ऊंची हमें सीढ़ी भी नहीं मिली, हार्ड वर्किंग वाले हमारे पास सब वर्कर है, इसलिए वो करते हैं काम, कारखाने के काम के, STLT लाइन के काम करते हैं। ये ऊंचाई से डर नहीं लगता इन्हें, ऊंचाई से डरते नहीं दोस्तों। ये बहुत ऊंचा स्ट्रक्चर है, बहुत तकलीफ हुई काम करने में ऊंचाई पर। यार टैंकर पत्थर मारने के लिए पुल बना रहे हैं साथ में, ड्रिलिंग चालू है दोस्तों। ड्रिलिंग का बहुत आवाज आता है दोस्तों, हमारी गली में आवाज घूम रहा था।
मैंने बहुत कम 10% आवाज रख के वीडियो बनाया है पूरा दोस्तों। अंदर की मिट्टी निकाल के उसमें आर्नेट केमिकल भर के सब फास्टनर हम उस पर फिट करते हैं दोस्तों। मैं भी दो 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 मिनट के वीडियो बनाए हूँ, बीच में से काम छोड़ के वीडियो बनाता था, फिर काम को लग जाता था हेल्प करने के लिए उनकी। सभी प्रॉपर वर्क होता है हमारा, 100% हम देने की कोशिश करते हैं। पूरा अंदर का मिट्टी निकाल के उसमें नॉन लीकेज केमिकल भर के फिर फास्टनर ठोकने पड़ते हैं ऊपर से। एक हैमर टूट गया दोस्तों हमारा फास्टनर ठोकते ठोकते, पर फास्टनर को अच्छा भी नहीं टूटा, हैमर टूट गया इतना जोर से उसे मारना पड़ता है तो अंदर ही प्रॉपर स्लैब में फिट होता है वो। इतना लोड है ऊपर, 360 किलो लोड है सभी पैनल का और स्ट्रक्चर का लोड, इसलिए हेवी ड्यूटी सब करना पड़ता है। 25-30 बरस के हिसाब से काम करना पड़ता है, पूरा GI वर्क है दोस्तों। ये वेल्ड किया है हमने, उस पर हम GI स्प्रे मार देंगे, फिर उस पर पेंट करके फिर उसे कंक्रीट कर देंगे दोस्तों। पूरा प्रॉपर वर्क करेंगे, नो शॉर्टकट। आर्नेट भरने का काम चालू है होल में, उसमें अब हम फास्टनर ठोकेंगे दोस्तों। बहुत ही हार्ड काम है फास्टनर ठोकने का, 10 mm फास्टनर है, 10 mm। बहुत ही ये सावधानी से वर्क करना पड़ता है, स्लैब लीकेज ना रहे इसलिए। देखिए आपको आवाज आ रहा होगा, काम चालू है दोस्तों। बहुत जोर से मारना पड़ता है दोस्तों, पूरे हमारे वर्क कंपनी के वर्कर्स है, पूरे भारत भर में जाके काम करते हैं दोस्तों। बहुत हार्ड वर्क है, आंध्र तमिलनाडु सभी तरफ जाके काम करते हैं। हमारे अर्थिंग करने रहते हैं उधर कंपनी के, 100 अर्थिंग 200 अर्थिंग सभी उस साइड पर जाते हैं कारखाने के, वो फ्री थे इसलिए इधर ला ले आया मैं उन्हें। ये केमिकल आर्नेट मिक्स करके तैयार करना पड़ता है, पाउडर उसके आता है और ये केमिकल आता है, तैयार करके इस होल में भरना पड़ता है। 15 फुट ऊंचा है दोस्तों, बहुत तकलीफ हुई पैनल लगाने के लिए, हवा भी जोरों से चल रही थी तब। बहुत ही परफेक्ट वर्क किया है हमने, थोड़ा भी नहीं हिलता अभी, सब हमने चालू किया सिस्टम में, थोड़ा भी नहीं हिलता। ये दगड़ा का तो जामस होते हैं ना, ओए एंगल तिपटलेला आहे, एंगल लबा खायचो कारण तुझे आज्ञा आलतीत काय। पूरा सावधानी से काम चालू है, खड़े होकर मैं सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहा था ऊपर से, परफेक्ट काम करके लिया है। कुछ भी बाईपास नहीं,
सभी प्रॉपर वर्क दोस्तों, कस्टमर सैटिस्फैक्शन इज मोस्ट। हमारे घर के सामने साइड बना रहा हूँ दोस्तों, मेरे घर के सामने इनका घर है, हमारे दोस्त का, मुकेश जी का, उनकी साइड चालू है ये। पांच दिन में ये साइड कंप्लीट कर दिया हमने, पूरी चालू भी कर दिया, 6 किलोवाट की साइड 5 दिन में कर ली। महाराष्ट्र में कहां पर भी आके हम आपको ये सिस्टम बिठा के दे सकते हैं दोस्तों, कम से कम दिनों में। मार तू ऐसे मोटा थोड़ा भाई, कैसे भी लगे बहुत ही हार्ड वर्क है। एक हैमर आमला, हैमर टूट गया बीच में से, तर फुका नहीं पाइप ना आत गेले बघ, त्यात माती पडली, हजार यू केले। ये वर्क बहुत केयरफुली करना पड़ता है, पूरा वजन इस पर होता है स्ट्रक्चर का, नीचे लेग पर। इसे कंक्रीट कर देंगे 2-3 फुट ऊपर हम, अभी ये करने के बाद भी ऊपर। पार्किंग पट्टा सरळ करायला नेलते ना कुठे होला खाली ते उरेल साइड मध्ये ठंडा वाटतो हे कोणी इतने बना होते ने चालू की 4 बजे इसका टेस्टिंग लिया दोस्तों, ये 2 मिनट में एक यूनिट बना डाला इस सिस्टम ने, सिर्फ 2 मिनट के लिए चेक करने के लिए हम इस सिस्टम ऑन किया था, हमने 2 मिनट में ही एक यूनिट बना डाला इस सिस्टम में 4 बजे दोपहर के। इतने अच्छे पैनल है दोस्तों ये, ऐसे 335 वाट के पैनल है। मोठा तुझा मेल खाली विचार त्यांना, ओए कुठं आज घरात ठेवला असेल त्यांनी, कडक पडलाय म्हणून असेल कोण असतं। 9 लेग्स आहे, नाही नाही एक लेग को 4 अँकर फास्टनर लगाने पडते। ए ओम बहुत हार्ड काम आहे, लास्ट लेग का काम चालू आहे, 2 लेग बिटा दिए, अभी लास्ट लेग का काम चालू आहे। आवाज आ रही होगी, बहुत मैंने कम करके आवाज डाली है इसमें, बहुत आवाज आ रहा है। वो अंदर आर्नेट डाला है होल में, वो पत्थर जैसा बन जाता है अंदर जाके, इसलिए जरा तकलीफ होती है अंदर जाने के लिए, तब भी जोर से मार के फिटिंग करना पड़ता है दोस्तों। ये सभी परफेक्ट हम काम करके देते हैं सभी का, ये सुपर स्ट्रक्चर ये तैयार मिलते नहीं दोस्तों बाजार में, खुद ही डिजाइन करके बनाने पड़ते हैं, बहुत काम बहुत वर्कर लगते हैं सुपर स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। 6-7 लोग थे हम तैयार करने के लिए, 2 दिन में स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, 2 घंटे में पैनल बिठा के तैयार। ये फर्स्ट वीडियो बनाया है मैंने, इसका इस सिस्टम का अगला वीडियो भी आएगा,
6 किलोवाट सिस्टम का ये फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद अगला वीडियो भी बनाता हूँ, उस वीडियो में उतने क्लिप बैठे नहीं मेरे। 35 क्लिप का एक वीडियो बनाया है दोस्तों, वो पैक हो गया। दूसरे वीडियो में आगे का वीडियो में बना रहा हूँ, दूसरे क्लिप में आगे का दिखाऊंगा आपको, इसके आगे का इन्वर्टर टेस्टिंग वगैरह। इसमें बाकी सब दिखाया है मैंने, पैनल वायरिंग, पैनल टू पैनल अर्थिंग, लूपिंग, डीसी वायरिंग, एले फिटिंग, एले वायरिंग सभी दिखाया है इसमें। इस वर्क को ही बहुत टाइम लगा, पकड़ के खड़ा होना पड़ता था, ये एंगल सब स्ट्रक्चर के, जोर से हवा चल रही थी दोस्तों, और ठोकने के लिए भी आदमी चाहिए थे नीचे नीचे काम करने के लिए। ऐसा पकड़ के खड़ा होना पड़ता था बीच बीच में से, धूप में पूरा मुंह हम सबका काला पड़ गया था, बहुत धूप थी उस दिन, बहुत धूप थी। ये हमारा वायर मन है सिद्धार्थ और मैं, ये कि स्ट्रक्चर पूरा तैयार हो गया बन के। पूरा तैयार हो गया, पूरे लाइन लेंथ में, ट्यूब लेवल में, पैनल फिटिंग भी हो गया दोस्तों, पैनल फिटिंग, उसके सीरीज वायरिंग हो गया है, सब सीरीज कर दिए पैनल, डबल स्ट्रिंग 8-8 पैनल, 9-9 पैनल के 2 स्ट्रिंग बना के दिए हैं। सभी सपोर्ट दिया है स्ट्रक्चर को, अभी उसे रस्सियां बांध के रखी है हमने, कहां से हिलता डुलता है तभी हम उसे और एक्स्ट्रा फिट करने के लिए एंगल लगाएंगे साइड से, कहां से एयर प्रेशर पड़ता है वो देख के। ट्यूब लेवल में है दोस्तों, पूरा स्ट्रक्चर एकदम ट्यूब लेवल में है, एक ही लाइन में तीनों लेग, मागे पूछे कुछ भी नहीं, क्लियर कट दोस्तों, पूरा प्रॉपर वर्क किया है। ये वायरिंग कर लिया है पैनल का सीरीज, सिक्स एमएम वायर यूज किया है, 4 एमएम भी किया तो चलता था दोस्तों, हमने 6 एमएम किया है, हेवी ड्यूटी वर्क, 25-30 बरस सिस्टम को कुछ भी नहीं होना चाहिए। टॉप व्यू देखिए दोस्तों कितना क्यूट दिखता है टॉप व्यू, सब मिड क्लैंप एंड क्लैंप लगा के सब फिट कर दिया है। दोस्तों स्ट्रक्चर पूरा तैयार हो गया है, बहुत ही ऊंचा है, लोग मिलते नहीं इतने ऊंचा काम करने के लिए, एक्सपीरियंस लोग है हमारे पास इसलिए काम ये हो गया।
सुपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। बीच बीच में बारिश पड़ रहा था, फिर धूप निकल रही थी, बारिश पड़ रहा था, धूप निकल रही थी, ऐसे काम किया हमने सुबह 8 से रात 8 तक। ये भाई मेरी कंपनी संभालता है, हमारी छोटा भाई है मेरा, ये फिटिंग कर रहे हो, चैतन्य नाम है इसका, कंपनी संभालता है हमारी। ये ले पूरा सॉलिड एले है दोस्तों, ये पूरा इसे लेट पर किया हुआ एले है, वो पाइप वाला एले नहीं है, सॉलिड एले है, कॉपर का, बहुत महंगा है ये, इतने बिग सिस्टम के लिए इतना हेवी एले लगता है, 6 किलोवाट की सिस्टम है, इसलिए ये सॉलिड एले लाया है, वजनदार एले है बहुत। स्ट्रिप देखिए, स्ट्रिप आ गया अर्थिंग के नीचे, पूरा प्रॉपर इंसुलेटर लगाया इसे, कहाँ पर भी टच ना हो दीवार के, दीवार से डायरेक्ट अर्थिंग में ही जाके टच हो नीचे, इंसुलेटर जगह जगह पर भी बराबर लगाया है लेंथ पर। तीन अर्थिंग के लिए 3 स्ट्रिप है, ऊपर से आया ये नीचे तक गया है, 3 अर्थिंग के लिए 3 स्ट्रिप। ये झूले पे बैठ के काम करना पड़ता है, ये भी हमारे सिद्धार्थ ने किया, ऊंचाई से डर नहीं लगता उसे, रोज का काम है उसका। वो लाइट के पोल भी बिठाता है बड़े बड़े, अपने गांव के चौक में जो लाइट रहता है एलईडी लाइट ऊपर बहुत ऊंचाई पर, वो भी काम करता है वो। देखिए तीनों अर्थिंग हो गए, देखिए बीच में जगह कितना रखा है, देखिए ये फर्स्ट अर्थिंग, ये सेकंड अर्थिंग, ये थर्ड अर्थिंग, ये एले का ये प्रॉपर अर्थिंग कर दिया है, बहुत महत्वपूर्ण है अर्थिंग अपग्रेड ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए। ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए तो करना ही पड़ता है, 1 किलोवाट का सिस्टम भी हो तो करना पड़ता है तीनों अर्थिंग। जितना बड़ा सिस्टम हो जाए उतने बड़े रॉड डालने पड़ते हैं अंदर, हेवी रॉड। देखिए एंगल एक्स्ट्रा लगा दिया इधर उधर, स्ट्रक्चर को हिले डुले ना, हमने सब ने मिल के भी स्ट्रक्चर हिलाया तो अभी नहीं हिलता, ये इतना हेवी ड्यूटी कर दिया है इसे। अभी 3 एंगल बाकी है लगाने का, जिधर जिधर विंड का प्रेशर पड़ेगा स्ट्रक्चर पर उधर वो लगाएंगे हम, लगाना पड़ा तो नहीं तो नहीं लगाएंगे, सब मटेरियल ला के रखा है जी आई का, भी वायरिंग चालू है, पैनल सब सीरीज में कर लिया है, उसे प्रॉपरली टाई से फिट कर दिया है दोस्तों एंगल को। ये फर्स्ट रिंग इधर से आया है, ये वायर का बंडल है बड़ा, अभी 2-4 काम इसके बाद 2-4 काम मिले हैं वो करने के लिए, बड़ा बंडल ला के रख दिया 300 मीटर का, 6 mm का। वायरिंग चालू है, स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग वायरिंग कर रहे हैं, पीवीसी पाइप में से वायर इन्वर्टर तक ले जाना पड़ता है डीसी, वो ले जा रहा है। इधर भी फिट कर दिया है स्ट्रक्चर को एंकर फास्टनर के साथ उस दीवार में, इस वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो लोग कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऑन ग्रिड के ऐसे बहुत सारे इसके बाद वीडियो आएंगे, अभी 3 काम हाथ में है मेरे, एक अभी हो गया है,
10 किलोवाट का आएगा, 2 किलोवाट का आएगा, ये 6 किलोवाट का हो गया। पूरी जानकारी मिलेगी आपको, प्रॉपर जानकारी और सच्ची जानकारी मिलेगी। खुद ही मैं काम करता हूँ, खुद भी कर रहा हूँ, उन्हें भी सिखा रहा हूँ, उनसे भी मैं सीख रहा हूँ, सब चालू है काम। फुल डे मेरा ध्यान था दोस्तों, मेरे घर के सामने ये प्रोजेक्ट चालू है, इसलिए फुल डे मेरा ध्यान था प्रोजेक्ट में, फुल डे में यही था 5-6 दिन। परफेक्ट पूरा वर्क किया है, कुछ भी बाईपास को कुछ भी वर्क बाईपास नहीं किया है, प्रॉपर वर्क। जो मटेरियल लगाना है वो लगाना ही है। ऐसे ही हम सभी काम करते हैं दोस्तों, प्रॉपर ऑन ग्रिड सिस्टम का काम वैसा ही करना पड़ता है प्रॉपर। 25 बरस के लिए इसका लाइफ है, 25 बरस, अबाउ 25 बरस, इसलिए अच्छा ही काम करना पड़ता है। आप भी इधर सांगली जिले में कहीं हो, देख रहे हो ये वीडियो, तो हमें कांटेक्ट कीजिए दोस्तों, हम आपके आपसे आके बात करेंगे दोस्तों, आपको बिठा के देंगे। ऐसा सिस्टम हैवी ड्यूटी सिस्टम, फोन कीजिए, मैं आपके फोन नंबर डाल दूंगा। 25-30 बरस से हम इस बिजनेस में हैं, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स सोलर बिजनेस में। ये एली फिटिंग सब कर दिया है प्रॉपर, स्ट्रिप नीचे का ये है दोस्तों, एली फिटिंग का काम चालू है। धूप बहुत कड़क पड़ी थी उस दिन, 2-3 दिन ये अर्थिंग कर दिया है बॉडी को, स्ट्रक्चर अर्थिंग, एंड क्लैंप लगा दिया है प्रॉपर। ये हुक है, जी आई हुक भी जी आई के है, सब जी आई का इस्तेमाल किया है मटेरियल का, रस्ट ना पकड़े इसलिए। इस वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाया दोस्तों, काम करते करते वीडियो बनाया दोस्तों, मेरे पास कैमरामैन वगैरह कुछ नहीं है, आपके लिए ये वीडियो बनाया। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको ऐसा सिस्टम सांगली जिले में किधर बिठाना हो, महाराष्ट्र में किधर बिठाना हो, तो मुझे मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए दोस्तों। हेवी ड्यूटी सिस्टम आपको हम बिठा के देंगे, अच्छा से अच्छा मटेरियल यूज करके, गारंटेड क्वालिटी मटेरियल। आपको बिठाना हो तो मेरे फोन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मेरे भाई का और मेरा फोन नंबर दे रहा हूँ। इसे भी एंकर फास्टनर से फिट कर दिया है, एली को भी, एली के लिए अलग स्टैंड बनाया, उस पर एली फिट किया, उसे भी एंकर फास्टनर से फिट कर दिया है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर भी कीजिए, ताकि हमारा काम लोगों तक पहुंच सके, प्रॉपर वर्क। पूरा हेवी ड्यूटी वर्क करते हैं हम, एक नंबर मटेरियल यूज करते हैं दोस्तों।
वीडियो देखने के लिए दोस्तों, और एक बार धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ इंक्वायरी हो तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको गारंटेड सिस्टम बिठा के मिलेगी। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 0 लाइट बिल करके देंगे आपका दोस्तों, 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल करके देंगे ये सिस्टम बिठा के आपका, हम इतनी गारंटी देते हैं आपको। प्रॉपर एले फिटिंग कर दिया, कॉपर एले प्रॉपर फिटिंग हो गया है, इंसुलेटर लगाया इसके नीचे दो और फिट कर दिया है, इसके अलग इंसुलेटर मिलते हैं। एले का काम हो गया है, सभी काम पूरा हो गया, इंसुलेटर फिटिंग चालू है, टाइट करना एले इंसुलेटर फिटिंग टाइट करना चालू है। ये पैनल टू पैनल लुक चालू है दोस्तों, अर्थिंग सभी पैनल को अर्थिंग मिलना चाहिए। देखिए क्लिप, प्रॉपर क्लिप लगा के हम JDMM वायर यूज कर रहे हैं पॉलीकैप का, इसमें भी मतलब कौन सा पतला पतला वायर नहीं यूज कर रहे, पॉलीकैप का वायर है 1.5 mm अर्थिंग करने के लिए क्लैंप लेके आया हूँ मैं, बहुत करके दिए कट करके, पूरा प्रॉपर वर्क किया है, अर्थिंग फर्स्ट दोस्त परफेक्ट करना चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट बनाए दोस्तों, ये 6 किलोवाट सिस्टम का, सेकंड पार्ट भी देखे है दोस्तों बहुत, वो भी बहुत इंटरेस्टेड है, इसके आगे का वर्क का वो बनाए, वो भी एक आधा पौन घंटे का होगा दोस्तों वीडियो। वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और किसी इंक्वायरी हो तो मुझे फोन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।